أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج ہم قرآن پاک کا پارہ نمبر چوتھا سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 174 سے آیت نمبر 178 تک ترجمہ پڑھیں گے نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کی نعمت و فضل کے ساتھ یہ لوٹے इन्हें कोई बुराई ना पहुंची। इन्होंने अल्लाह ताला की रज़ामंदी की पैरवी की। अल्लाह बहुत बड़े फजल वाला है। ये खबर देने वाला सिर्फ शैतान ही है जो अपने दोस्तों से डराता है। तुम इन काफिरों से ना डरो और मेरा खौफ रखो अगर तुम मोमिन हो। कुफर में आगे बढ़ने वाले लोग तुझे गमनाक ना करें। यकीन मानो कि ये अल्लाह ताला का कुछ ना बिगाड़ सकेंगे। अल्लाह ताला का इरादा है कि इनके लिए आखिरत का कोई हिस्सा अता ना करे और इनके लिए बड़ा आज़ाब है। कुफर को ईमान के बदले खरीदने वाले हरगज़ हरगज़ अल्लाह ताला को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते और इन्हीं के लिए अलमनाक आज़ाब है। काफ़िर लोग हमारी दी हुई मोहलत को अपने हक में बेहतर ना समझें। ये मोहलत तो इसलिए है कि वो गुनाहों में और बढ़ जाएं। इन्हीं के लिए जलील करने वाला आज़ाब है। सदक़ अल्लाहुल अज़ीम।